जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई रेल सफर जर्नी में। फिलहाल जैसे कि आपको पता होगा कि हम आज सफर कर रहे हैं रांची गरीब रथ में, जो कि न्यू दिल्ली से लेकर रांची तक जाने वाली है। और फिलहाल हमने इसका फर्स्ट पार्ट खत्म किया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका पार्ट टू। और जिन्होंने भाई पार्ट वन नहीं देखा, पार्ट वन देख लेना। काफी हाई स्पीड एक्शन में ये ट्रेन दिल्ली से मुगलसराय के बीच में चली थी, जिसको DDU तक। और आज आप सभी का झारखंड में मैं स्वागत करता हूं। और आज की जर्नी हम शुरू करने वाले हैं लातेहार से, मतलब झारखंड में। भाई यहां से आ रहा है बच्चों को नहीं दे पाया क्योंकि अभी आंख खुली थी, लेकिन यहां से आपको मैं अभी डिपार्चर भी दिखाऊंगा। और अपनी इस खूबसूरत यात्रा में हम 1106 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुके हैं, जो कि काफी अच्छा है। और सुबह के 6:06 का टाइम था, लेकिन 6:20 पर अपनी ट्रेन पहुंची, मतलब 14 मिनट डिले के साथ में ट्रेन चल रही है। तो भाई कुछ इस तरीके का है ये रेलवे स्टेशन, और ये खड़ी हुई है अपनी रांची गरीब रथ, जो कि चल रही है। और अब इसके बाद में अपना टूरी जंक्शन, बरखा खाना और मूरी होते हुए रांची तक का सफर तय करेंगे। तो आपको जो भी अच्छे अच्छे नज़ारे होंगे और बिल्कुल झारखंड में जितने भी शॉट अच्छे होंगे, उस सब आपको अब देखने को मिलेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इस जर्नी को। तो फिलहाल दोस्तों यहां से भी अपनी ट्रेन का हो चुका है डिपार्चर। ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम से 14 मिनट की देरी से चल रही है। और भाई बात करें इसकी, अभी तक कोई भी चाय या कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि आप इस चीज का ध्यान रखना क्योंकि आप जब भी इसमें सफर करें, इस ट्रेन में पेन की कार नहीं होती, साइड पेन की वाली होती है। और साइड पेन की वालों का आप होटल ही करते हैं भाई, इससे अच्छा है आप ई केटरिंग का सहारा ले लेना। लेकिन फिलहाल अभी हमको कोई चाय वगैरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला, देखते हैं चाय मिलती है तो आपको बताते हैं।
फाइनली पहुंच चुके हैं अपने टूरी जंक्शन पर जो कि झारखंड में आता है। और भाई झारखंड में आने के बाद में ना लैंडस्केप बिल्कुल ही बदल जाता है। और यहाँ तक हमने 1139 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुके हैं और अपनी ट्रेन 20 मिनट डिले से चल रही है। यहाँ तक 20 मिनट डिले हो चुकी है। और बात करें भाई दूरी की तो भाई दूरी एक जंक्शन डिले पर पहुंचते हैं। यहाँ से एक लोहार ठागा के लिए भी एक रेल रूट अलग हो जाता है। और भाई अभी तक इस ट्रेन में चाय की या किसी भी चीज़ की कोई भी सुविधा नहीं है भाई। आपको अपने भरोसे ही चलना पड़ेगा क्योंकि इस ट्रेन में साइड पेंट्री है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि वो आपको चाय वगैरह देगी नहीं देगी, कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए भाई ऐसा कुछ सीन हो रहा है ट्रेन के अंदर। फिलहाल इस ट्रेन में जो है चाय अभी तक बिकने एक बार भी नहीं आई है। साइड पेंट्री वालों को पता भी नहीं है कि भाई चाय का बिकना भी है नहीं बिकना। फिलहाल ये है भाई टूरी जंक्शन और इसके बाद में अपना अगला हॉल्ट होने वाला है बरका खाना जंक्शन। तो आपको दिखाते हैं भाई बरका खाना पर। फिलहाल अपनी ट्रेन का सिग्नल भी हो चुका है, चलते हैं अंदर और दिखाते हैं यहाँ से टूरी जंक्शन से भी अपना डिपार्चर हो चुका है। यहाँ हमारा कोच आता है भाई, यहाँ पर कोई नहीं, क्योंकि इंजन के बाद वाला ही कोच अपना है। यहाँ पर कुछ भी रुकने के लिए कुछ भी नहीं आता है। और मात्र सिर्फ 2 मिनट का होल्ड था यहाँ पर, तो यहाँ से भी ट्रेन निकल चुकी है। चलिए देखते हैं बरका खाना पर हमको चाय मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि भाई सुबह से चाय हमको नहीं मिलती है। फैक्ट्री वाले है लेकिन वो कहाँ है उनको कुछ भी समझ नहीं।
फाइनली दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं बरखा थाना रेलवे स्टेशन पर, और बरखा थाना तक अपनी ट्रेन बिफोर आ चुकी है 10 मिनट। 8:30 का टाइम था और 8:20 पर ही यहाँ तक आ चुकी है, और यहाँ तक हमने 1222 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुके हैं। और भाई बरखा थाना एक जंक्शन रेलवे पॉइंट है, जो कि आप एक कोडरमा या गोमो, और जिस पर अभी हम बनने वाले हैं मूढ़ी वाली लाइन, उस पर अभी ये सारी लाइनें आकर यहाँ पर ही मिलती है। और बरखा थाना आता है भाई रामगढ़ कैंट डिस्ट्रिक्ट में। और भाई अगर आप लोगों को यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, इडली वड़ा समोसे कचौड़ी ये सब आइटम यहाँ पर स्टेशन पर उपलब्ध है, और आप यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी तलाश करते हैं चाय की, मैं चलते हैं थोड़ा सा एक आगे देखा है वहाँ पर, पहले चाय लेके उसके बाद में आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों हमने चाय ले ली और यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है भाई, काम चलाने के लिए काफी बढ़िया है। बाकी आपको यहाँ पर इडली समोसा पकौड़ा वगैरह और यहाँ पर छोले वगैरह ये सारा आइटम आप लोगों को यहीं पर मिल जाएगा। हमने तो चाय की वजह, और ये आपके लिए रिव्यू के लिए लिया कि भाई यूट्यूब पर अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको क्या चाय भी ठीक ठाक है भाई, मशीन वाली चाय। बरखा खाना से भी अपना डिपार्चर ट्रेन का दोस्तों हो चुका है, और यहाँ पर हमको चाय मिली थी। बाकी आपने देखा यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए काफी सारे ऑप्शन आपके पास में, इडली बड़ा वगैरह ये 30 रुपए की प्लेट है सब्जी, आप जो है अपना ब्रेकफास्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी चाय मशीन की थी ओवरऑल ठीक ठाक, और फिलहाल अपनी ट्रेन निकल चुकी है बरखा खाना से। मूरी रांची और टाटा नगर जाने के लिए गाड़ी बदलें। बरखा खाना तो इसके बाद में जो अपना होल्ट रहने वाला है वो रहने वाला है मूरी जंक्शन, जो कि अपना सेकंड लास्ट होल्ट रहने वाला है। उसके बाद में रांची पहुंच जाएगी गाड़ी। यहाँ तक ट्रेन अपनी बिफोर आई थी, तो इसलिए भाई काफी देर यहाँ खड़ी रही है, वो काफी पैसेंजरों को चाय या ब्रेकफास्ट की जो भी इच्छा थी सब सबको मिल चुका है। फिलहाल अपनी ट्रेन निकल चुकी है, चलिए चलते हैं अब अंदर। Express from LSP to Kathpadi, Vijayawada.
तो दोस्तों 1280 किलोमीटर की दूरी को तय करके दिल्ली से हम आ चुके हैं अपने सेकंड लास्ट स्टॉप जो कि मूली जंक्शन पर है। और आप यहां से टाटा नगर के लिए भी निकल सकते हैं और हम यहां से निकलने वाले हैं रांची की तरफ। और रांची की कुछ 60 किलोमीटर की दूरी यहां से रह जाती है रांची, उसके लिए यहां पर इसको 1 घंटा 40 मिनट का समय दिया हुआ है सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी के लिए। और बाकी भाई ये खड़ी हुई है अपनी गरीब रथ मूली जंक्शन पर। दोस्तों मूली के बाद में ही मूली से लेकर रांची तक के बीच में ही आज सेक्शन शुरू होता है ना, अब आपको उसके भी नज़ारे दिखाऊंगा क्योंकि इस सेक्शन के बाद में ही इतना अच्छा खास सेक्शन शुरू होता है कि जो है क्या आप लोग देखोगे तो उसके नज़ारे ही कुछ अच्छे होते हैं। और मॉनसून का ये टाइम है तो भाई मॉनसून के टाइम में तो काफ़ी ग्रीनरी वहाँ पर है, तो चलिए वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल अपनी ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पर मूरी जंक्शन पर और कुछ ही देर में यहाँ से मूरी जंक्शन से डिपार्चर होने वाला अपनी ट्रेन का। ऑलरेडी सिग्नल ग्रीन दे चुके हैं तो चलिए सिग्नल ग्रीन हो चुका है और मिलता हूँ मैं आप लोगों से डिपार्चर पर। फाइनल यहाँ से भी अपना डिपार्चर हो चुका है मूरी से और सामने जो ट्रेन आई है वो आई है एनएफपी धनबाद जो कि इस समय धनबाद की तरफ जा रही है और एनएफपी से आई है। बाद में ये एक हमने चाट ली है और चाट को अभी आप लोगों को ट्राई करके भी दिखाते हैं क्योंकि भाई ये कैसी चाट है। ये है अपने उबले हुए चने और जो कि इस तरीके से पत्ते पर मिलते हैं। सुबह सुबह के लिए बहुत फायदेमंद है चने। और फिलहाल अपनी ट्रेन भी इसी स्टेशन को स्किप कर रही है अभी जब तक भाई इसको फिनिश करते हैं हम, क्योंकि फिर आपको दिखाते हैं आने वाला जो घर सेक्शन है उस सेक्शन में आपको हो सकता है बारिश भी देखने को मिल जाए। तो चलते हैं फिर बाहर, पहले करते हैं इसको फिनिश।
दोस्तों अपनी ट्रेन आ चुकी है रांची जंक्शन पर और यहाँ पर पहुँचने का जो टाइम था वो तो 11:20, लेकिन ट्रेन अपनी काफी बिफोर आ चुकी है और आउटर पर आकर खड़ी हो चुकी है क्योंकि ये अभी टाइम हो रहा है 10:30 का टाइम हो रहा है और 10:30 पर अपनी ट्रेन रांची के आउटर पर खड़ी हो चुकी है। देखते हैं कि अब इसको रांची पर प्लेटफार्म पर इसको अराइवल होता है या नहीं होता है, कितनी देर यहाँ खड़ी रहती है। चलिए आपको दिखाते हैं रांची पर अराइवल। फिलहाल अपनी ट्रेन रांची के आउटर पर आ चुकी है। आ चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन रांची जंक्शन पर और यहाँ हमारी ट्रेन 35 मिनट बिफोर आई है क्योंकि यहाँ इसका टाइम आने का था 11:20 का, तो ये 10:35 पर आ गई और आउटर पर भाई इससे पहले आ गई थी, मैंने आपको बताया था, लेकिन इसको प्लेटफार्म खाली था तो स्टेशन में एंट्री मिल चुकी है और ट्रेन अराइवल कर चुकी है। तो ये था अपना रांची गरीब रथ की जर्नी जो कि न्यू दिल्ली से शुरू करी थी और हमने यहाँ तक 1340 किलोमीटर की दूरी को 19:10 का जो टाइम लगता उससे 33 मिनट में ही कम मैंने इसको पूरा कर लिया है। तो भाई ये थी ट्रेन की जर्नी। ओवरऑल जर्नी की बात करूँ तो भाई जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा था, ट्रेन में साफ सफाई एवरेज थी। बाकी खाने पीने की बात करूँ तो भाई साइड पेंट्री वाले हैं वो आपको जो है क्या लूटते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, और खाने के नाम पर तो इतना लूट रहे हैं वो लोगों को, बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अगर इस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो भाई अगर खाने पीने की व्यवस्था स्वयं कर कर चलें या ई केटरिंग का सहारा लें। फिलहाल चलिए चलते हैं, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और इस जर्नी ये जर्नी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही ट्रेन जर्नी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी किसी और नेक्स्ट जर्नी में, जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।